साथियों नमस्कार आज की शुरुआत एक कहानी से करते हैं आप सभी जूलियस सीजर को जानते होंगे जब उसे रोम का सेनापति बनाया गया तो वह सबसे पहले उसने स्पेन पर जीत हासिल की वह स्पेन हंसते मुस्कुराते गया और जीत गया जब वह स्पेन जीता तो उसने कहा मैं आया मैंने देखा और मैं जीत गया यह जो वाक्य था कि मैं आया मैंने देखा और मैं जीत गया यह वाक्य बहुत ही अधिक प्रसिद्ध हुआ और आज तक उस एक वाक्य की लोग चर्चा करते हैं आज यही वाक्य हिंदुस्तान में हरियाणा में नारायणगढ़ में दिख रहा था जब राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ जनसभा को संबोधित कर रहे थे गरीब लोगों के जेब में कितना पैसा जा रहा है और जेब में से कितना पैसा निकल रहा है ये मेरा इक्वेशन है और इसको मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। जहां भी मुझे मौका मिला जो इस देश को चलाते हैं किसान मजदूर गरीब लोग खून पसीना देकर चलाते हैं जहां भी मुझे दिखा उनके बैंक अकाउंट में पैसा डालू मोदी जी आपकी 24 घंटा रिस्पेक्ट करें मगर 24 घंटा आपके जेब में से पैसा निकलता जाए तो समान हो सकता है मगर भूखे मर जाए आप सबको पता हो कि कांग्रेस पार्टी ने अपना तीन दिनों का एक पूरा रथ यात्रा का कार्यक्रम शुरू किया है आज से जिसके अंतर्गत राहुल गांधी कुल 33 विधानसभाओं में जाएंगे आज चाहे शाम को पांच साढ़े पांच बजे तक की ये पूरी यात्रा है उसके बाद फिर कल शुरू होगी आज ही उन्होंने तीन जिलों की लगभग छह विधानसभाओं को कवर किया है और अच्छी बात यह है कि उन विधानसभाओं को कवर कर रहे हैं जैसे कि अहिरवाल है कुरुक्षेत्र का इलाका है फरीदाबाद गुड़गांव भी जाएंगे जहां तो उम्मीद है तो इन इलाकों में कांग्रेस की पकड़ पहले कमजोर दिखाई दे रही थी चुनाव के पहले सर्वे में भी यहां पे कमजोर नजर आया लेकिन अब तो स्थिति बेहद बदल गई है यह सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी चुनावों के ऐलान से पहले ही हरियाणा में चुनाव से बाहर हो चुकी थी और जब चुनावों का ऐलान हुआ तो तमाम गतिरोध के बावजूद कांग्रेस पार्टी में भी तमाम गतिरोध है भाजपा में भी तमाम गतिरोध है लेकिन कांग्रेस पार्टी लीड कर रही और उसमें जब यह यात्रा शुरू हुई ये आप लोगों को बता दूं कि जो ये नाम है विजय संकल्प यात्रा कांग्रेस पार्टी की मैं आ, इस नाम से बहुत खुश नहीं हूं मैं, मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसा नाम क्यों रखा गया क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी ने भी एक यात्रा शुरू की थी उसका नाम भी यही था कि विजय संकल्प पद यात्रा तो मेरी अपनी इस पर असहमति है ऐसे नाम पे लेकिन इस यात्रा का जो पूरा फ्रेमवर्क है वो बहुत ही सॉलिड नतीजे लेकर के आएगा इसका अनुमान है और मुझे लगता है कि अगर ये यात्रा सकुशल संपन्न हो गई तो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान और बढ़ेगा साथ में एक बात बिल्कुल तय है कि क्षेत्रीय दलों की प्रासंगिकता समय के साथ साथ जैसे अब इलेक्शन नजदीक आ रहा है चार पांच दिन का समय शेष लगातार घट रही है जो क्षेत्रीय दलों की प्रासंगिकता है वो कम होती जा रही है अब बात करते हैं आज की राहुल की गांधी की जनसभा की यानी नारायणगढ़ में जिस तरह से इस यात्रा की शुरुआत की गई उसकी बहुत कम ऐसा होता है चुनावी रैलियों में मैंने राजीव गांधी की एकाध जो बचपन की याद है कि उनकी रैली में संभवता देखा होगा कि राहुल गांधी आज बोल रहे थे और हरियाणा के नारायणगढ़ में भीड़ शांत होकर चुपचाप बैठी थी लोगों की आंखें भरी हुई थी एक पिन ड्रॉप साइलेंस दिखाई दे रहा था वहां पे एक शब्द नहीं जब राहुल गांधी उन युवाओं की कहानी सुनाई सुना रहे थे जब राहुल गांधी उन युवाओं की कहानी सुना रहे थे जो अमेरिका में जाकर के चोरी छिपे समुद्री मार्ग से लूट करके मर करके तमाम तरह के ए, मुसीबतों को झेल करके रोज मार खा करके अमेरिका में नौकरी करने के लिए गए थे जिन युवाओं के साथ ये खतरा जुड़ा हुआ है कि कभी भी माफिया उनको मार सकते हैं जिनके पास कोई कागज नहीं है और जिन युवाओं के साथ यह दुख भी जुड़ा हुआ है कि वो लगभग 10-12 वर्षों तक अपने परिवार से नहीं मिल पाएंगे अभी मैं अमेरिका गया अमेरिका में छोटे से घर में छोटे से कमरे में मतलब दस फुट पंद्रह फुट बाय पंद्रह फुट उसके अंदर पंद्रह बीस हरियाणा के युवा मैंने आपसे आपसे पूछा ये ये अमेरिका में क्यों बैठे ये हरियाणा से क्यों भागे उनसे मैंने पूछा पता नहीं आपने वीडियो देखा नहीं देखा उनसे मैंने पूछा भाई आप बताओ हरियाणा में इतनी कमी क्या है कि आप गए कहते राहुल जी हम सिर्फ गए नहीं जान पर खेल कर गए पहले हम टर्की गए टर्की के बाद हम कजाकिस्तान गए कजाकिस्तान के बाद हम कोलंबिया गए कोलंबिया के बाद सूरीनाम सुररीनाम के बाद पैनेमा पूरी दुनिया के चक्कर काटे बोट में बोट गए बोट डूब गई हमारे दोस्त मरे हमारे आंखों के सामने डूबे जंगल में माफिया के लोगों ने गोली मारी जो चल नहीं पा रहा था उसको उड़ा दिया खत्म कर दिया हमने उसकी लाश देखी वीडियो दिखाया उन्होंने हमारे लॉयर्स ने कहा भैया इसको वीडियो को आप मत दिखा देना वहां पे एक साथ खाना पका रहे हैं एक मुझे कहता है राहुल जी मैं ट्रेलर में रहता हूं हर रोज कोई ना कोई आकर मुझे पीट देता है हर रोज कोई ना कोई आकर मुझे पीट देता है वो ड्रग्स लेते हैं और रात को आकर मुझे मारते हैं दूसरा कहता है भाई राहुल जी मेरा एक्सीडेंट हो गया मेरा पूरा पेट बाहर निकल गया मैं चल नहीं पाता हूं उन्होंने मुझे कहा जाके हमारे परिवार से मिलिए मैंने कहा क्यों कहते हैं राहुल जी हम इनको दस राहुल गांधी बिना किसी मीडिया को लिए बिना किसी कैमरे के गए उन परिवारों से मिलने के लिए जब इस देश का प्रधानमंत्री कहीं पूजा करने भी जाता है तो कैमरे लेकर जाता है दस दस राहुल गांधी बिना किसी पत्रकार को बताए चले गए करनाल राहुल गांधी ने जब ये कहा वहां की बताया इस बात को कि 35-50 लाख रुपए खर्च करके वो इसलिए गए क्योंकि हरियाणा में उनको रोजगार उपलब्ध नहीं है तो इस बात ने जनता को कनेक्ट किया जनता समझी कि ये व्यक्ति जो बात कह रहा है उस बात में दम है ये व्यक्ति जो बात कह रहा है वो सच्ची बात है एक ना एक तरीका निकाल निकाल कर एमएसपी दिलवाकर कर्जा माफ कर कर मैं बता रहा हूं जितना नरेंद्र मोदी ने इनको दिया ना आप देख लेना उतना पैसा हम कांग्रेस पार्टी में गरीबों को देने वाले हैं सिंपल सी बात है अगर आप उनको पैसा देते हो तो इनको देना ही पड़ेगा राहुल गांधी का हुआ भाषण पब्लिक को पूरी तरह से अपने आप से जोड़ लिया और भी तमाम बातें कही राहुल गांधी ने राहुल गांधी आज अडानी पर भी बोले उन्होंने साफ साफ कहा कि सुबह होती है तो अडानी जी के खाते में लगातार पैसे की सुनामी शुरू हो जाती पहले सुनिए क्या कहा अडानी जी के बारे में सोचिए हर सुबह 24 घंटा उनके बैंक अकाउंट में धड़ाधड़ 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 पैसा आता है नॉन स्टॉप मतलब जैसे सुनामी आती है ना और जितना ही पैसा उनके बैंक अकाउंट में सुनामी जैसे घुस रहा है उतना ही पैसा आपके बैंक अकाउंट में से तूफान जैसे पैसा निकलता जा रहा है जो जो अच्छी बात दिखाई दी कि कांग्रेस पार्टी में गतिरोध की हुड्डा शैलजा और रणदीप की लड़ाई की लगातार बातें कही जा रही थी लेकिन आज राहुल गांधी ने शैलजा भूपेंद्र हुड्डा का हाथ जिस अंदाज में मिलवाया वो बड़ा प्रशंसनीय है और एक बात सच है कि तमाम लोग कांग्रेस के आहत होने के बावजूद शैलजा ने कहा ही कहा आप नाराज हो सकते हैं वो कांग्रेस पार्टी की खूबसूरती है कि पार्टी के भीतर लड़ लीजिए अपने अधिकार के लिए कुछ भी कर लीजिए लेकिन पार्टी में है तो पार्टी का जो मुखिया है पार्टी के लीडर्स हैं वो आपकी रेस्पेक्ट करते हैं ये दिखाई दिया आज कांग्रेस पार्टी ने उसके अलावा भी राहुल गांधी ने तमाम बातें कही उन्होंने साफ साफ कहा कि अग्निवीर योजना जो आ, है वो दरअसल पेंशन छीनने की सैनिकों से एक उसकी साजिश का नतीजा है उसके अलावा उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही और ये बात सच भी है उन्होंने कहा कि छोटी पार्टियां जो है जैसे कि अब नाम तो उन्होंने नहीं लिया लेकिन मैं ले ले रहा हूं कि उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी नेलो जेजेपी जे सबका रिमोट बीजेपी के पास है आपने तो देखा है कि अभय चौटाला तो कुछ भी बोले लेकिन के नेता गोपाल के रेलो के सपोर्ट दिया है गोपाल कांडा को उसने अपने मकान के ऊपर भाजपा का झंडा लगा रखा है ये तो हाल है ये जो बीच में इंडिपेंडेंट पार्टी आ रखी हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं ये सब बीजेपी की पार्टीज हैं इनकी इनका रिमोट कंट्रोल इनके हाथ में है लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है विचारधारा की लड़ाई है एक तरफ न्याय दूसरी तरफ अन्याय एक तरफ किसानों का हित गरीबों का हित मजदूरों का हित और दूसरी तरफ अडानी जी और अंबानी जी जैसे लोगों का फायदा राहुल गांधी ने उसके अलावा बार बार कहा कि जो सरकार बनने जाएगी अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो दरअसल वो अडानी की सरकार होगी और हमको अडानी की सरकार नहीं चाहिए उनका कहना यह था कि हमको अडानी की सरकार हरगिज नहीं चाहिए इसके अलावा राहुल गांधी तमाम मुद्दों पर बोले उन्होंने घोषणा पत्र की बात करी अपने और भाजपा के जो लगातार वादा खिलाफी है उसकी भी चर्चा करी राहुल गांधी आज नारायणगढ़ मुलाना लाडवा सढ़ोरा कुरुक्षेत्र जाएंगे इनमें एक बात बिल्कुल तय है मैं इन क्षेत्रों में जमीन पर गया हूं कि नारायणगढ़ में लाडवा में मुलाना में सढ़ोरा में भी कांग्रेस की जीत बिल्कुल तय है उसके अलावा कुरुक्षेत्र में खास तौर से थानेसर जहां पे की आज खत्म होगी राहुल गांधी जी का कार्यक्रम आज का खत्म होगा थानेसर में कांग्रेस को थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है हो सकता है कि आज राहुल गांधी जी की सभा के बाद राहुल गांधी जी के कार्यक्रम के बाद थानेसर में स्थिति बदले अशोक अरोड़ा जी वहां से खड़े हैं चुनाव बाकी और जगहों पे तो कांग्रेस बढ़िया कर रही है राहुल गांधी के साथ इस रैली में वहां के तमाम विधायक विधाय, उम्मीदवार और सांसद भी मौजूद हैं वरुण चौधरी भी मौजूद है उदय भान जी भी मौजूद है तो कांग्रेस का जो जोशो खरोश है वो बहुत बढ़ा है प्रियंका के आने से भी लोगों का बहुत उत्साह बढ़ा है वहां पे तो देखना है कि कांग्रेस पार्टी इस पूरी यात्रा का क्या लाभ ले पाती है और बड़ी अच्छी बात है राहुल गांधी अगर इसी तरह की पदयात्राएं अन्य प्रदेशों में भी करते हैं झारखंड में करते हैं महाराष्ट्र में करते हैं तो उसके बहुत सकारात्मक नतीजे आएंगे क्योंकि एक बात तो तय है कि राहुल गांधी सड़क पे उतरेंगे वोट आएगा राहुल गांधी ने सड़क पे यात्रा शुरू की कर्नाटक जीत गए तो आ, फिर प्रतीक्षा है कि इस पदयात्रा के क्या अपडेट्स होते हैं जो अपडेट होंगे वो आपके सामने लेकर के आएंगे नमस्कार